अधिक मास निमित्त येणाऱ्या 23 जुलै ते 30 जुलै पर्यंत साईनगर येथील भक्तिधाम मंदिरात भव्य रुद्र महायज्ञाचे तसेच श्रीमद भागवत कथेचे आयोजन केले आहे। आयोजित धार्मिक कार्यक्रमाला देशातील अनेक संत महामुनीसह कालीमाता मंदिर विश्वस्त शक्ती महाराज यांची उपस्थिती राहणार असल्याची माहिती आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आली। भव्य यज्ञ जागृती कलश यात्रासह अनेक धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती आयोजकांनी पत्रकार परिषदेत दिली। पुरुषोत्तम मास निमित्त शहरातील साईनगर येथील भक्तिधाम मंदिर येथे 23 जुलै ते 30 जुलै दरम्यान भव्य श्री रुद्र महायज्ञ तसेच श्रीमद भागवत कथा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे। या धार्मिक कार्यक्रमाला भिलवाडा सनातन मंदिरचे विश्वस्त महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज उदासीन, खामगाव येथील निवृत्तीनाथ महाराज, गोधरा येथील परमानंद सरस्वती, अमरावती कालीमाता मंदिर विश्वस्त शक्ती महाराज प्रबोधन करणार आहेत। 23 जुलैला सकाळी 10 वाजता दसरा मैदान येथून भव्य यज्ञ जागृती कलशयात्रा काढण्यात येणार असून भक्तिधाम मंदिर येथे 30 जुलैपर्यंत विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे। आयोजित कार्यक्रमाची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली। आज हम लोग यह यज्ञ की जो प्रेरणा हम लोगों को जो मिली हुई है और हमारे श्री प्रसाद जी को भी और पंडित जी को भी जो प्रेरणा मिली हुई है कृष्ण गोपाल जी से, वो इस कारण मिली हुई है कि अपन अपने हिंदुस्तान की तो बात करते ही करते हैं इंडिया की, उसके अलावा हम लोग महाराष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, अमरावती शहर की बात कर रहे हैं, पूरे चारों तरफ ग्रामीण वासियों की बात कर रहे हैं। हम लोगों का जो यज्ञ करने का जो हितार्थ है, आज हितार्थ हम लोग इस हितार्थ ये यज्ञ कर रहे हैं, जो भागवत कर रहे हैं और पार्थिव शिवलिंग का जो सभी भक्त लोगों के जन्मान के आते जो अभिषेक हम लोग कर रहे हैं, ये विश्व में विश्व शांति के लिए हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखो मेरे पत्रकार भाई बंधु, सभी चैनल वाले मेरे भाई बंधु, ये आप लोगों को भी सब दिख रहा है पर कुछ कुछ चीजा बोल नहीं सकते आप लोग, कहीं ना कहीं आपको भी बंधन है, पर हम लोगों का बाप कोई नहीं है, हम लोगों का बाप एक श्री महाकाली माता ही है और ईश्वर ही है करके हम लोग इस यज्ञ की माहिती देना चाह रहे हैं। इस यज्ञ का जो यज्ञ जो है, जो यजमान बैठेंगे, ये यजमान का भी कोई स्वार्थ नहीं है बैठने का, निस्वार्थ से हमारे सब भाई बंधु, सभी समिति के लोग और सभी अमरावती वासी और भागवत के वासी लोग यज्ञ में बैठेंगे। और मैं सभी हमारे पत्रकार भाई बंधु से भी यह निवेदन करता हूँ, अमरावती शहर वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि इस यज्ञ का सब जने यजमान छोटी सी राशि रखे हुए इस यज्ञ में सभी सम्मिलित हुई है। और हम लोग यह यज्ञ इस कारण कर रहे हैं कि दिन पे दिन ऊर्जा मिलना थी अपने इंडिया में हर चीज की, अच्छी चीज की, पर ऊर्जा तो हमें नहीं दिख रही है 10-15 साल से, अन ऊर्जा दिख रही है, बीमारी कई फैल रही है। हमारे देखो कोविड आया हुआ था, कोविड में कितना किस किस का है, हिंदुस्तान में कितने लोगों का लॉस हुआ है, कितने लोग बेचारे चले गए, स्वर्गवास हो गया है। और इस यज्ञ करने से हम लोगों ने भी महा काली शक्ति पीठ पे बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराए हैं और ये यज्ञ का चमत्कार बहुत होता है। ये यज्ञ इस कराए जाते हैं कि अपने विश्व कल्याण, अपने इंडिया में जो भ्रष्टाचार ज्यादा से ज्यादा हो रही है, जो आत्महत्या हो रही है हमारे किसान भाइयों की, जो ना पिकी हो रही है, ये बारे में हमारे को संकेत मिल रहे ना पिकी का। और हम लोग भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, यज्ञ में बैठेंगे हम सभी जन भागवत सुनने के लिए बैठेंगे, भगवान हमारे किसान भाइयों के तरफ बहुत बहुत ध्यान देंगे और हमारे किसान भाइयों की आत्महत्या ना हो, हम लोगों का यही हमारा ये है। और हमारे यज्ञ का इसका इतना बड़ा चमत्कार है, हम लोग महाकाली शक्ति पीठ पे जितने यज्ञ कराए हैं और इसमें भी भक्ति धाम में जो यज्ञ कराए जा रहे हैं, इसमें भी कई प्रकार की आहुति सब यजमानों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा जब गिरेगी तो आहुति आप लोगों ने खुद ने मेरे पत्रकार भाई बंधु चैनल सभी भाई बंधु खुद ने आना पहले दिन से और आखिर तक के, और जिस समय पे समाप्ति होगी उसके 4 घंटे जब यज्ञ की आहुति ठंडी जब हो जाएगी तो आप खुद वहाँ पे हाजिर रहना। पहले दिन से तो 9 दिन से कितना आहुति गिरी थी और उसमें भगवान का जो आस्था या भगु विभूति जो निकलेंगे वो कितनी निकलती है, तो अब आप अचंभित होंगे कि ये आहुति इतने मटेरियल गिरने के बाद में ये सब सामग्री कहाँ गई। तो ये सामग्री का महत्व ऐसा है कि जैसा कि अपन मानव का अपने गौ माता का ये जो यज्ञ है तो वो भी एक यज्ञ है, वो संयम जैसा जैसा जो जो मंत्र द्वारा जो भगवान के नाम से आहुति गिरती है यजमानों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा, तो उस आहुति
सीधा सीधा ऊपर वाली स्वर भी हमारे ब्रह्मा जी के पेट पे जाता है। और यह चमत्कार है, यह बहुत से ब्राह्मण लोग जानकारी देते नहीं है, बहुत से ब्राह्मण ने जानकारी पूरी देना चाहिए मीडिया वालों को। और यह यज्ञ विश्व शांति हेतु के लिए हम लोग कर रहे हैं। और उसके अंत में हम लोग यह प्रार्थना करेंगे अपने सभी भाई बंधु मिलकर निस्वार्थ भावना से, और हमारे हमारे मीडिया वालों को भी हम यही बोलेंगे, आप लोग भी दो अगरबत्ती रोज लगाओ और हमारे इंडिया में, हमारे पूरे महाराष्ट्र में जितनी भ्रष्टाचारी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, जो हमारी बहू बेटी को जो विचारधारा उनके दिमाग में जो आ रही है कि हम हमारे घरदार छोड़ के पराए पराए कुंभ में जाना है, तो हमारे बहन बेटियों को सदबुद्धि दे भगवान है यज्ञ नारायण भगवान, कि हमारे सब बेटियों को और हमारे सब लड़कियों को अच्छी बुद्धि दे कि हम हमारे समाज में ही शादी करें, छोटी सी राशि में अनुदान देवे और यज्ञ का लाभ लीजिए। मैं सभी हमारे मीडिया वालों का और सभी पुलिस डिपार्टमेंट वालों का, सीपी सर का, दोनों डीसीपी सर का, मैं इस यज्ञ के समिति की ओर से श्री महाकाली माता और हिंदू महासभा महाप्रदेश महाअध्यक्ष संत महाप्रदेश अध्यक्ष के नाते के ओर से मैं आप दोनों सभी को हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। अमरावती वासियों के लिए बहुत ही खुशखबर की बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पावन पुरुषोत्तम मास के पावन उपलक्ष्य में श्री श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 23 जुलाई से 30 जुलाई तक श्री भक्तिधाम मंदिर के प्रांगण में होने जा रहा है। इसके साथ ही 21 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी किया जाएगा। पावन सावन महीना भगवान शिव जी का पवित्र महीना चल रहा है, इस महीने में यह पावन अनुष्ठान कई सौभाग्य प्राप्त करवाता है। तो आप सभी सनातनी हिंदुओं से मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी इस महायज्ञ और इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर हम सभी अपना इस सौभाग्य को प्राप्त करें, इस अनुष्ठान का एक आहुति देकर इस महायज्ञ में हम सभी अपने भाग्य को उज्ज्वल करें, क्योंकि यह अनुष्ठान हम सभी के लिए यज्ञ वैदिक धर्म का सार है। यज्ञ से ही संपन्नता आती है, यज्ञ से ही फसल होती है, यज्ञ से ही बारिश होती है, यज्ञ हमारे हिंदू धर्म को से को सब कुछ देता है, यज्ञ से बलिष्ठता आती है। इसलिए आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, आप सभी सनातनी हिंदू इस महायज्ञ का भाग बने, इस महायज्ञ में आहुति देकर समृद्धि को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण। पत्रकार परिषदेला समाजसेवी चंद्रकुमार जाजोदिया, शक्ति महाराज, नीलेश टौलारे, अलका सपडे, वृंदा मुक्तेवार, नंदलाल खत्री उपस्थित होते।